अगेन। आई एम फाल्गुनी साहू और गाइस आज हम एक स्टोरी बीरबल्स खिचड़ी का ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। गाइस ये एक इंग्लिश स्टोरी है, इसको हम लोग आज ट्रांसलेशन करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, बीरबल्स खिचड़ी राइस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है राइस, है ना। तो बीरबल कौन थे, महाराजा जो अकबर थे ना, राजा अकबर उनके मंत्री थे, है ना। और खिचड़ी मतलब क्या होता है, हम लोग खिचड़ी जो खाते हैं ना, चावल टाइप का रहता है, उसे कहते हैं खिचड़ी, है ना, राइस। फिर तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन अ कोल्ड विंटर डे अकबर एंड बीरबल टुक अ वॉक अलोंग द लेक, मतलब ठंडी का मौसम था ना, ठंडी का दिन था और अकबर और बीरबल वॉकिंग कर रहे थे ना। अब लेक मतलब क्या होता है, झील, तो झील के पास उन लोग वॉकिंग कर रहे थे। A thought came to Birbal that a man would do anything for money. फिर बीरबल जो था उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि कोई आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। He expressed his feelings to Akbar. फिर उसने अपना एहसास, feelings मतलब क्या होता है, एहसास, express मतलब बताया। He expressed his feelings to Akbar, मतलब उसने अपने एहसास अकबर को बताया। किसने बताया, बीरबल ने। Akbar then put his finger into the lake and immediately removed it because he shivered with cold. मतलब जो अकबर थे उन्होंने अपनी उंगली लेक में डुबाई, मतलब लेक में एक उंगली झील में, लेक मतलब क्या होता है, झील में ऐसे डुबाया, डाला और जल्दी से इतने ही टाइम ऐसे उसको निकाल दिए क्योंकि उसका हाथ बहुत ठंडा ठंडा लगा। तो फिर इसके बाद क्या लिखा है, अकबर सेड आई डोंट थिंक अ मैन वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी। तो फ्रेंड इसका मीनिंग क्या होगा, आई डोंट थिंक अ मैन मतलब आई डोंट थिंक मतलब क्या होता है, मुझे नहीं लगता, है ना, थिंक मतलब मुझे नहीं लगता, है ना, मैं, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, है ना। तो आई डोंट थिंक अ मैन वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी पैसे के लिए पूरी रात इस ठंडे पानी में गुजार सकता है ना, इस ठंडे झील में गुजार सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, बीरबल रिप्लाइड आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच अ पर्सन। फिर बीरबल रिप्लाइड मतलब बीरबल ने जवाब दिया, आई एम श्योर मुझे पता है कि मैं ऐसे आदमी को ढूंढ निकालूंगा जो पूरी रात इस ठंडे झील में गुजार सके, है ना। फिर अकबर देन चैलेंज्ड बीरबल, मतलब चैलेंज मतलब उसने शर्त रखी, है ना, अकबर ने बीरबल को चैलेंज दिया है ना कि तुम ऐसे आदमी को ढूंढ के दिखाओ और मैं उसको रिवार्ड दूंगा, अगर रिवार्ड मतलब क्या होता है, इनाम दूंगा अगर उसने सारी रात उस ठंडे झील में गुजार ली तो। तो रिवार्ड क्या देगा, रिवार्ड अ पर्सन विद 1000 गोल्ड कॉइन्स, वो इनाम देगा उस आदमी को, क्या इनाम देगा, 1000 सोने के सिक्के देगा, 1000 सोने के सिक्के देगा। तो फ्रेंड चलिए वो आगे क्या लिखा है देख। बीरबल सर्च्ड फार एंड वाइड अंटिल ही फाउंड अ पुअर मैन हु वॉज डिसेपरेट इनफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज। मतलब फिर बीरबल दूर दूर तक, है ना, दूर 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 तक बीरबल ने ऐसा आदमी खोजा, ऐसा आदमी ढूंढा जो पूरी रात उस ठंडे झील के पानी में गुजार सके, है ना। और उसको एक आदमी मिल भी गया, एक गरीब आदमी मिला जो उसको, जो शर्त को ले लिया, है ना, जिसने उस शर्त को ले ली। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द पुअर मैन एंटर द लेक एंड अकबर हैड गार्ड्स पोस्टेड नियर हिम टू मेक श्योर दैट ही रियली डिड एज प्रॉमिस। मतलब द पुअर मैन एंटर द लेक मतलब
जो गरीब आदमी था, जो वो आदमी था जिसने शर्त ली थी, उसने लेक की मतलब झील के अंदर प्रवेश किया है ना। एंटर मतलब प्रवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटर मतलब घुसना है ना, उसके अंदर वो गया। और अकबर हेड गार्ड्स, गार्ड मतलब जो सैनिक होते हैं, उसने वहां पे रख दिए, खड़े कर दिए, ताकि वो वैसा ही करे जैसे उसने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस कैसे किया था कि वो पूरी रात गुजारेगा ठंडे पानी में, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स टूक द पुअर मैन टू अकबर। फिर जो अगले दिन है ना, अगले दिन जो सैनिक थे ना, गार्ड जिसने गार्ड्स को जो अकबर ने रखे थे, उन्होंने उस गरीब आदमी को अकबर के पास ले गए उन लोग, है ना। फिर अकबर आज द पुअर मैन इफ ही हैड इंडेड स्पेंट अ नाइट इन द लेक। मतलब फिर अकबर ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने पूरी रात उस ठंडे पानी में गुजारी है ना। फिर द पुअर मैन रिप्लाइड दैट ही हैड। फिर जो गरीब आदमी था, जो आदमी था, उसने बोला हाँ, है ना। अकबर देन आज द पुअर मैन हाउ ही मैनेज टू स्पेंड द नाइट इन द लेक। ठीक है, फिर अकबर ने पूछा कि वो कैसे मैनेज किया, मैनेज मतलब हैंडल किया, कैसे संभाला है ना पूरी रात, कैसे उसने रात भर ठंडे पानी में गुजारी। तो उसने ऐसा पूछा अकबर ने, किससे पूछा, आदमी से, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। द पुअर मैन रिप्लाइड दैट देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प नियर बी एंड ही केप्ट हिज अटेंशन ए फिक्स्ड ऑन द लैम्प एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड। ठीक है, फिर जो गरीब आदमी था, जो आदमी था, उसने जवाब दिया कि वहाँ पे एक स्ट्रीट लैम्प था। स्ट्रीट लैम्प मतलब जो ऐसे गली होता है ना, गली, तो वहाँ पे ऐसे दिया नहीं चलते रहता, वहाँ पे वैसे ही रखा था, एकदम पास में नहीं, थोड़े दूर में, है ना, झील के थोड़े दूर में। फिर उसने अपना ध्यान उसी दिए पर रखा और जो ठंडी थी उस पर ध्यान उसने नहीं दिया। अकबर देन सेड दैट देयर वुड बी नो रिवार्ड एज द पुअर मैन हैड सर्वाइव द नाइट इन द लेक बाय द वार्मथ ऑफ द स्ट्रीट लैम्प। मतलब फिर अकबर जो राजा थे, उन्होंने बोला कि आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सारी रात स्ट्रीट लैम्प के गर्मी के सहारे गुजारी है। ठीक है, फिर क्या लिखा है। द पुअर मैन वेंट टू द बीरबल फॉर हेल्प। फिर जो आदमी था वो बीरबल के पास गए हेल्प के लिए। हेल्प मतलब मदद के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट। फिर अगले दिन, कोर्ट मतलब क्या होता है, दरबार, है ना। तो फिर जो बीरबल थे वो अगले दिन दरबार नहीं गए। द किंग वंडरिंग वेयर ही वॉज सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम। फिर जो राजा थे वो थोड़े डर गए, है ना, तो वंडर मतलब हैरान हो गए कि वो कैसे नहीं आए, है ना। फिर उन्होंने एक उसको भेजा, सैनिक को, अपने सैनिक को भेजा बीरबल के घर। तब द मैसेंजर केम बैक सेइंग दैट बीरबल वुड कम वंस हिज खिचड़ी राइस वॉज कुक्ड। ठीक है, फिर वो जो मैसेंजर था, उसका जो सैनिक था, उसने कहा कि बीरबल अभी खिचड़ी बना रहे हैं, वो आएंगे जब उनकी खिचड़ी पक जाएगी, जब उनकी खिचड़ी पक जाएगी तो वो आ जाएंगे। द किंग वेटेड आवर्स बट बीरबल डिड नॉट कम। अब जो राजा थे उन्होंने बहुत मतलब घंटे इंतजार किया, फिर भी वो नहीं आए, बीरबल नहीं आए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनली द किंग डिसाइडेड टू गो टू बीरबल्स हाउस एंड सी वॉट ही वॉज अप टू। मतलब फिर जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया, फाइनली मतलब उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि वो ही जाएंगे बीरबल के घर और देखेंगे क्या हो रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ही फाउंड बीरबल सिटिंग ऑन द फ्लोर नियर सम बर्निंग ट्विग्स एंड अ बोल फिल्ड विथ खिचड़ी राइस
हैंगिंग 5 feet अबाउट द फायर। फिर उन्होंने देखा, जो किंग थे उन्होंने देखा कि बीरबल नीचे बैठे थे जमीन पे और वहाँ पे कुछ बर्निंग ट्विक्स, मतलब बर्निंग जलते हुए लकड़ी थे, है ना, और उससे और एक बॉल था, बॉल मतलब ऐसे कटोरी टाइप का, है ना, उसमें खिचड़ी रखी हुई थी और वो कितने दूर लटका था पता है? 5 feet, मतलब 5 feet ऊपर टंगा हुआ था आग से। फिर द किंग एंड हिज अटेंडेंट्स कुडंट हेल्प बट लाफ। ठीक है, फिर जो किंग थे, राजा, और उसके जो सैनिक वगैरह थे, उन्होंने हेल्प नहीं की बल्कि हंस दिए। फिर यहाँ के क्या लिखा है, अकबर देन सेड टू बीरबल, हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक इफ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर। ठीक है, फिर अकबर बोले कि वो खिचड़ी कैसे पकेगी जब वो इतनी दूर रहेगी आग से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बीरबल आंसर्ड द सेम वे द पुअर मैन रिसीव्ड हीट फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प दैट वॉज मोर देन अ फर लॉन्ग अवे। ठीक है, फिर बीरबल बोले उसी तरह जैसे एक गरीब आदमी ने गर्मी लिया बहुत एक स्ट्रीट लैम्प के सहारे, पूरी रात बताई है ना, तो गर्मी ली एक स्ट्रीट लैम्प से जबकि वो उसे बहुत दूर थी, है ना। उसी तरह जैसे, यहाँ पे उसका पूरा मीनिंग देखेंगे, उसी तरह जैसे एक गरीब आदमी ने गर्मी ली स्ट्रीट लैम्प से, है ना, जबकि वो उतने दूर थी। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवार्ड। फिर जो किंग थे, जो राजा थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, मिस्टेक मतलब गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने जो गरीब आदमी था उसको उसका इनाम दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। मज़ा आया ना स्टोरी में फ्रेंड्स? तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।